हम उन भगवान बुद्ध को नमन करते हैं जो अरहत हैं, जो सम्यक संबुद्ध हैं, उनको हम नमन करते हैं। आज हम बात करेंगे विपस्सना ध्यान। विपस्सना तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा खोजी गई ध्यान विधि है, जिसके माध्यम से उन्होंने अरहत्व को प्राप्त हुए, सम्यक संबुद्ध बने। और ये 2500 वर्षों से हजारों लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण करते हुए विद्या आ रही है। बीच में कुछ वर्षों के लिए ये विद्या विलुप्त सी हो गई थी, परंतु गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से बर्मा जैसे देश में ये बची रही और वहाँ से भारत पुनः फिर वापस आई आदरणीय आचार्य श्री गोयनका जी के द्वारा। उनका ये देश बहुत ऋणी रहेगा। उन्होंने इस देश में बहुत सारे विपस्सना के सेंटर की स्थापना की और उनके माध्यम से लाखों लोगों को विपस्सना का लाभ मिलता है। आज हम विपस्सना का कुछ बेसिक बातें बताएंगे आप लोगों को। विपस्सना ध्यान क्या है, करनी कैसे है, तो सबसे पहले अपने सुविधापूर्वक आसन बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। एकांत में बैठने का प्रयास करें, क्योंकि शोरगुल जहाँ होता है वहाँ ध्यान भटकने लगता है। इसलिए आंखें बंद कर लें, आनापान का अभ्यास करें। सांस अंदर जा रही, श्वास बाहर आ रही, बस जानना है, कुछ नहीं करना है, बस जानना है। श्वास भीतर गई, श्वास बाहर आई, बस जानते रहना है। जानते आपका मन एकदम एकाग्र शांत, सारा ध्यान नसिका के छिद्रों पे लगाना है। बस जानना है, महसूस करना है कि सांस भीतर गई, सांस बाहर आई, सांस दाहिने नसिका से जा रही है या बाईं नसिका से आ रही है या दोनों नसिकाओं से आ जा रही है। ना सांस तेज करनी है, ना धीरे करनी है, बस अपने आप जैसे प्राकृतिक रूप से चल रही, बस चलने दीजिए उसको। सारा ध्यान नसिका के छिद्रों पर है। ये भगवान बुद्ध की प्रैक्टिकल विद्या है। कितने भी शास्त्र पढ़ ले कोई, कितना भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर ले, अगर अनुभव नहीं किया, उसके अनुभव पर नहीं उतरा, तो सिर्फ पंडित बनकर रह जाएगा, ज्ञानी नहीं हो सकता। ये विपस्सना साधना अनुभव करने की चीज़ है, अनुभव कराती है। जो भी जितने भी शास्त्र बुद्ध मत में लिखे गए हैं, उन सब का अनुभव कराती है। ये प्राथमिक चढ़ाना पान, कुछ दिन आना पान करने के बाद विपस्सना का अभ्यास करेंगे। विपस्सना का अभ्यास कैसे करना है, अपने शरीर पर हो रही संवेदनाओं को जानना है, देखना है, क्रम से देखना है। तो जैसे कि आचार्य श्री गोयनका जी बताते हैं कि सर के टॉप पे
टॉप से लेकर के बॉटम तक, सिर से पांव तक, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, एक एक अंग प्रत्यंग पर ध्यान लगाते हुए, मन को ले जाते हुए, वहाँ पर जैसी संवेदना हो रही, बस जैसी हो रही, उसके सत्य रूप में देखना है। संवेदना सुखद है, दुखद है, जैसी है, बस जानना है। आपको राग नहीं लगाना है, द्वेष नहीं लगाना है, और कल्पना भी नहीं करनी है, इच्छा भी नहीं करनी है कि ऐसी संवेदना हो, वैसी हो, बस जैसी है वैसी है। उसके मूल रूप को देखना है। धीरे धीरे धारा प्रवाह संवेदनाएं होना शुरू हो जाएंगी, फिर साधक आगे बढ़ता जाएगा। तो आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ से विपस्सना का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।